है मुझे ये पानी इसके अंदर भर गया था, ये हमारा पंप की जगह है पानी के, पीने के पानी की पंप की जगह है ये। अच्छा, मतलब इंडस्ट्रियल पंपिंग करते हैं, बड़ा पंप जो होता है। जी कहाँ है पंप? पंप वाव जो आपको दिखाया है वहाँ पर अभी रखा हुआ है वहाँ। ये यहाँ पर अभी ये फिट करेंगे इसको, हमको ये काम आज शुरू हुआ है अभी, इसी को सफाई हो रही है। नहीं, वॉल निकाल रहे हैं, नया वॉल लगाएंगे इसकी जगह, नया वॉल लगाएंगे और ये पाइप लाइन दबाई है जिनमें से पंजाब को लगा। ये एक 8 इंच की है चीज, ये कहाँ से यहाँ से लेके वहाँ तक कोने तक लगी है? ये आगे तो लाइन मौजूद है, पीछे की पाइप जो है सारा डैमेज हो गया, खराब। यहाँ से लेके लेके वहाँ तक कोने तक 300 फीट, 300 फीट का पाइप। जी भाई, लेकिन बैग पड़ा हुआ, बैग में पाइप पड़ा होगा। ये जो हमने ये जिस पे लड़ाई शुरू हुई है ना, ये वो खड्डा है। ये क्या है, लड़ाई क्या है? ये खड्डा आज से हमने तकरीबन कोई महीना भर पहले खुलवाया था कि इसमें हम लाइन डलवा देंगे, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कंपनियों में हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, वो ऑर्डर देना पड़ता है और फिर उसके बाद वो चीज़ तैयार होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गई। कल हमारे पास, कल था जुम्मा, जुमे रात को मेरे पास फ़ोन आ गया कि जी आपका माल तैयार है, आप ले जाएँ। तो इनको आज अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया और ये आप लाइन को कनेक्ट करेंगे, कल तक इंशाल्लाह उतारा ये खड्डा बन गया। ये मेन खड्डा था जिसकी वजह से ये फेसबुक पर लड़ाई शुरू हुई, तो रास्ता बंद हो गया आने जाने। हालांकि रास्ता पीछे से खुला हुआ है, लोग चाहें कि भाई हमारा इलाका अगर तकलीफ में हो, उसकी सहूलत के लिए काम हो रहा है, तो थोड़ा हमारे दिलों में गुंजाइश हो, वो गुंजाइश यहाँ मौजूद है। हर आदमी चाहता है कि मेरे मुताबिक काम हो, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम हो, मेरी मर्ज़ी तो नहीं चलेगी। काम जब आप इलाके में कर रहे होते हैं तो इज्तमाही मफाद को देखना होता है, ज़ाती मफाद को पीछे करना होता है। यहाँ मसला ये है कि ज़ाती मफाद आपको आगे रखते हैं और इज्तमाही मफाद को पीछे डाल देते हैं, इस वजह से इस इलाके का हाल। अगर हम सारे के सारे मोहल्ले में रहने वाले 1 लाख नफूस एक दफ़ा रोड पर आ जाएं, मैं नहीं समझता कि अल्लाह वाला नाऊंगा कोई काम रुक जाए। लेकिन यहाँ मसला ये है, वो कुछ अर्से पहले हमने तकरीबन 3 साल पहले निकाला भी था लोगों को, हम प्रेस क्लब तक भी गए थे, लेकिन पीछे से फ़ोन आ गया जी आप आ जाओ सेक्टर में मुलाकात। तो मसला तो हल हो गया ना? नहीं हुआ, यूँ का तू आज आज हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे 30 साल पहले, आज भी वहीं खड़े। बुनियादी बात यह है कि हम अपने मफादात को पीछे नहीं डालते ना। अगर जिस दिन हम ये सोच लें कि भाई इज्तमाही मफाद को आगे रखना है, ज़ाती मफाद को पीछे रखना है, मैं कह रहा हूँ ये इलाका मॉडल इलाका बन जाए। लोग अच्छा, मज़े की बात यह है कि पैसे भी देते हैं, कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, लेकिन वक्त नहीं देते। वो इस पैसे को ऐसे क्या करेंगे? तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर पैसे देते हैं, सब 25,000 लोग हैं, 100 रुपये देते हैं तो 2.5 लाख रुपये महीना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना, 100 रुपये महीना देते हैं और अल्लाह आपका भला करे बमुश्किल 200 घर देते हैं। अब 20,000 रुपये महीना जमा करने में या 30,000 रुपये महीना जमा करने में इलाके का मसाइल तो हल नहीं कर सकते। नहीं तो फुल टाइम आप आदमी हायर करके रख दें यहाँ पे, वो आसान नहीं है ना, क्योंकि अगर किसी आदमी को आप हायर करके रख दें तो आपको मालूम हमारी कौम का मिजाज क्या है, वो 2 के 4 हो जाते हैं। मतलब काम में 2 रुपये की बजाय 4 रुपये का काम पड़ता है। अच्छा, ये बुनियादी मसला है। हमें इसलिए अपराधी कुवत चाहिए कि लोग अपना काम समझ के खुद करें, खुद खड़े होकर काम कराएं, जिस लेबर से काम कराना खुद खड़े होकर कराएं, उसमें इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी भी है। क्योंकि हर आदमी को ये पता होगा मैंने ये काम कराया, वो हर आदमी चाहता है कि यार कोई करा दे, तो अल्लाह भी उसकी हाल नहीं बदलते जो कौम अपने हालत को ना बदलना चाहिए। तो वो हमारे लिए लोग तैयार नहीं होते, इस बात कहते हैं कोई करा दे। भाई जैसे हमारा वक्त कीमती है ऐसे दूसरे का वक्त भी कीमती है, जैसे दूसरे का वक्त कीमती है ऐसा मेरा भी वक्त कीमती है। ये सब चीज़ों को हमको मैनेज करना चाहिए कि अपने वक्त में से वक्त निकाल के कुछ काम इस काम को इलाके के लिए देंगे, इंशाल्लाह इलाका बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले हम जब यहाँ रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह ना पानी की परेशानी थी ना सड़क की परेशानी, सब मामला सही था। अब आबादी का हजूम बढ़ गया है, मसाइल तो होने से लोग पैसे क्यों नहीं देते मोहल्ला कमेटी में? हर आदमी के तहफ़ आते हैं, किसी के पास वाटर बोर्ड का बिल आता है, वो कहता है जी मैं वाटर बोर्ड को पैसे देता हूँ आपको क्यों दूँ पानी के। अब उनको हम ये समझाते हैं कि भाई आप ये पैसे दे रहे हो, ये सिर्फ पैसे इस बात के हैं कि वो मोटर चलती है, मोटर जल भी जाती है, कहीं लाइन लीक भी हो जाती है, डैमेज भी हो जाती है, उसमें वो पैसा लगता है। वो पैसा अगर आप देते हो तो वो मेंटेनेंस में लगता है, आप मेंटेनेंस दे रहे हो हमें, हम वाटर बोर्ड नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते। आपके ख्याल में कितने लोग एक काम
लोग कितने पैसे दें तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। देखिए बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा इलाका 6 ब्लॉकों पे मुहित है और सामने वाला सेक्टर 31 के ये 3 ब्लॉकों पे मुहित है। अगर ये हर घर वाला 100 रुपये, हर फ्लैट वाला 100 रुपये फ्री कर दे तो हमें 3 लाख रुपये महीने की इनकम हो सकती है। 3 लाख रुपये महीने की जो इनकम होगी वो इस इलाके पर खर्च होती है। लोग इस बात पे बिल्कुल भी इतफाक़ नहीं करते कि ये पैसे मोहल्ला कमेटी को दिए जाएँ, ये तो जमीयत पंजाबी सौदागरान का काम है या ये गवर्नमेंट का काम है, वो करे, हम आपको क्यों दें। ये हमारे यहाँ आज से नहीं 20 साल से ये मसला है। मोहल्ला कमेटियाँ कई बार बनी हैं, कई बार टूट जाती हैं इसी वजह से कि फाइनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। हर कमेटी रजिस्टर्ड होती है? जी रजिस्टर्ड है ये मोहल्ला कमेटी। इस मरतबा हमने इसीलिए सही बुनियादों पर पूरा काम किया कि मोहल्ला कमेटी बनाई और उसको रजिस्टर्ड कराया ताकि सही बुनियादों पर काम हो सके। उसके जो खर्चे वर्चे हैं ऑडिट कर सकता है कोई भी? जी बिल्कुल, इसका ऑडिटर ऑडिट करता है। और इस साल पता नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी बने हुए 1 साल हुआ है मोहल्ला कमेटी का। थैंक यू।